Very good morning and a very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त आपका भाई आपका खादिम पादी मकबूल सैमल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हम ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे आप लेकर आते हैं, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा साथ रहता है। हम मिलकर खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, खुदा उनकी हम दोस्तना करते हैं, खुदा उन हमसे प्यार करता है, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। कैसा रहा जी कल का आपका दिन, कैसी इबादत हुई? मेरा तो दिन जी बहुत बिजी था, फ्रॉम सैटरडे टू संडे इवनिंग। सैटरडे को बड़ी अच्छी इबादत हुई ल्यूटन में, जो कि हमारा चर्च है, ल्यूटन एशियन यूनिटेड रिफॉर्म चर्च। इट वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल सेलिब्रेशन, और जो भी लोग वहां पर आए मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उनके उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और आप उस बात में शामिल हुए। संडे हो, यस, वेरी बिजी। सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत थी और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में, और शाम को जी एक बड़ी खूबसूरत इबादत थी तेलुगु। ये साउथ इंडियन हमारी कॉन्ग्रीगेशन, बहुत प्यारी कॉन्ग्रीगेशन, और उसमें मैंने सरमन दिया और तेलुगु जुबान में उसका तर्जमा किया गया, तो बड़ा ही बाबरकत ये माहौल था। मैंने वो वीडियो जो डाली है, शायद आप जो जुबान जो है तेलुगु वो तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो स्पिरिट थी वहां पर प्रेज एंड वर्शिप की बड़ी जबरदस्त थी। और ये इंतजाम किया था जो हमारे एल्डर साहब हैं सुनील कुमार, उन्होंने इसका सारा अरेंजमेंट किया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। इससे इसके बाद दूसरी जो खूबसूरत बात जो है अभी मैं उसको आपके साथ बांटने को, वो ये है कि जो आपने डोनेशन दिए थे और गरीब बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, तो सर्दियों के लिए आपका ये क्रिसमस का जो तोहफा था वो उन बच्चों तक पहुंचा। और गुजर खान में, पाकिस्तान में रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक ही एक शहर है, वहां पर बच्चों के दरमियान ये गिफ्ट जो है वो तकसीम किए गए, और मैं देख रहा था कि बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी बहुत ज्यादा, उसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। अभी मुझे जो गुजरांवाला से जो अभी तक मुझे रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली, क्योंकि वहां पर भी एक गाँव में जो मेरी पहली गली से आप कहते अलीपुर चट्ठा और रसूल नगर, वहां पर हमें ये तकसीम करनी थी चीजें, तो होपफुली आई विल गेट दैट रिपोर्ट वेरी सून, सो आई विल बी एबल टू शेयर विद माय फ्रेंड्स। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमारा साथ दिया और आपने इस नेक काम में अपना हिस्सा डाला। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। तो एंड अभी आप इसी तरीके से हमारा साथ दीजिएगा। हम जो बच्चे जो 9th-10th में हैं, जिनके बोर्ड के एग्जाम होने हैं और उनके लिए हमें फी जो है वो दरकार है, हमने उनकी जो बोर्ड की फी है वो देनी है, जो कि 3,000 रुपये है, विच इज हार्डली 20 pounds। तो आप जरूर ये फी जो है वो उनकी पे करें। अगर आप एक या दो बच्चों को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में जो रेगुलर जो पढ़ रहे हैं उनकी जो फीस है वो तकरीबन 1200 से लेकर 1500 के करीब है महीने की, जो कि हार्डली आप कह लें कि 10 pounds, 10 pounds, $15। तो आप उस में भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। एक बच्चे को आप ले लें यार, अगर आप देखें, अगर आपके 4 बच्चे हैं, अगर 5 भी तब भी आपने उनको पालना था, अगर 6 हैं तो तब भी आपने उनको देखना ही था, तो कोई बात नहीं है। अगर आप ये सोचें कि अगर वो बच्चे जो हैं वो आपके होते तो आप क्या करते, क्या आप उनको स्कूल ना भेजते, क्या आप उनके लिए फी ना देते? तो अगर आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लें यार, आपको उसकी डिटेल दी जाएगी और आप उस बच्चे को पढ़ाएं, उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको मिलेगी, उसकी प्रोग्रेस सपोर्ट आपको मिलेगी। तो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसको मालूम होगा कि कौन उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप खुशी हासिल करेंगे जब वो बच्चा मैट्रिक कर जाएगा, जब वो बीए कर जाएगा, जब वो एमए कर जाएगा। कैन यू इमेजिन आपको कितनी जो है खुशी हासिल होगी और उस बच्चे को कितनी खुशी हासिल होगी। तो एक बच्चे को आपने सिर्फ फीस देनी है, उसकी खुराक का इंतजाम नहीं करना, उसके कपड़ों का अगर आप करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक बच्चे को हमारे साथ मिलकर अडॉप्ट कर लें, हम उनकी एक एल्बम बना रहे हैं पूरी, और जो जो फैमिलीज उनको स्पॉन्सर करेंगी
हम बकायदा उनको इन्फॉर्म किया करेंगे, उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। तो आप हमारे साथ इस नेक काम में शामिल हों। मैं आज अपने दोस्तों को उस चीज़ों को शामिल ही नहीं कर पाया जो हमारे साथ फेसबुक पे, मैंने उनको गुड मॉर्निंग भी नहीं अभी तक कहा, बड़ा नॉटी एंड मैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो माफ कीजिएगा। मैं क्योंकि अभी प्रोग्राम को मैंने शुरू किया और आज थोड़ा सा मैं टायर्ड भी था, तो क्योंकि कल रात को काफी लेट हम आए और इट्स ऑलवेज मंडे इज माई डे ऑफ, लेकिन इट्स ऑलवेज टायरिंग। तो लेकिन पादरी जो है वो रिटायर नहीं होते, टायर्ड हो जाते हैं ना। तो मैं एक पादरी साहब से पूछा था, मेरे दोस्त हैं फिल सैमसन और वो बड़े ही अच्छे खुदा उनके खादम हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, ब्रिटिश हैं। तो मैं उनको कह रहा था कि आप रिटायर हो, कहता अरे भाई नहीं मैं रिटायर नहीं, उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, अभी उनकी मैंने वो ग्रीटिंग डाली हुई थी। तो कहता नहीं नहीं मैं क्यों रिटायर होऊंगा। तो मैं उन्हें कह रहा था हाँ वाकई आप सही कह रहे हैं, पादरी रिटायर नहीं होते, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। तो मैंने चाहा कि चलें आज रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैंने शैतान को कहा भाग जाए यार, मुझे काम करना है, मुझे लोगों से बात करनी है। तो मैं उठा, तैयार हुआ और आपके साथ हूँ और हर रोज की तरह फ्रेश फ्रेश। तो आइए हम उन्हें वेलकम कहते हैं जी। हमारे साथ बड़ी खुशी की बात है जी, वसीम जोधर साहब वो हमारे साथ हैं, हमारी एल्डर साहब हैं, बिने सल्ला रखा एल्डर सुहेल दीन साहब हैं, मेरे एल्डर बड़े प्यारे हैं जी, और लेकिन सुबह सवेरे मेरा साथ देते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आई एम नॉट अलोन, दैट्स द मेन थिंग, कि वो अकेला होना जो है ना वो बड़ा खतरनाक है, लेकिन जब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो खुशी होती है। तो आइए बढ़ते हैं जी खुदा के पाक कलाम की जानिब। आज सुबह मैं साम 67 आपके लिए तिलावत करूंगा। जो लिखा है, खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। आए खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उमते खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की अदालत करेगा और जमीन की उमतों पर हुकूमत करेगा। आए खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं हम। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा महाफिज और निगेबान है। प्यार से मेरे खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, कल की सारी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं प्यारे खुदावन तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। अरे जलाली यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी आमद के लिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्यारे खुदावन क्रिसमस की खुशियों को दुबाला कर और जहां जहां भी तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे लोग बरकत पाए। सूर्य इस सारे माधम को खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं और तेरे पाक रूप में अमली चाहते हैं। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इंतजार होगा जी आपको आज के हम्द व सना का, आज के जो गीत है उनका आपको इंतजार होगा। चलें हम खुदावन्द की स्तुति करते हैं अपनी क्वायर के साथ, इसको शुरू करते हैं एस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर के साथ खुदावन्द की हम्द करते हुए ये खूबसूरत गीत। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, परेशानी की बात है कि एक बार फिर वही हालात जो कि एक साल पहले थे दोबारा पैदा हो रहे हैं। जो एक नया जो वायरस है वो फिर सर पकड़ रहा है और लोगों को जो है वो सर उठा रहा है वो वायरस, और परेशानी में है लोग। अभी फिर जो मास्क है उसको मैंडेटरी करार दिया जा रहा है,
कि आप पब्लिक बेसिस पे आप मास्क पहने, जरूरी है ये भी, और अपने आप को महफूज रखें, लोगों को भी महफूज रखें, अपनी जान का भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। चर्चिस में जब आते हैं तो आप मास्क पहन कर आएं, अगर आप किसी मार्केट प्लेस में जा रहे हैं पब्लिक के दरमियान, वहां पर भी आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इस मैंडेटरी कंपल्सरी है कि आप जो फेस मास्क है उसका इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज रखें। चर्च के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा जो लॉ नहीं सामने आया कि आप कम्युनल सर्विस जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन खतरा है। आप इसके लिए दुआ करें कि जो क्रिसमस की इबादत हैं और जो नए साल की इबादत हैं उनको हम मिलकर कर सकें। हमने जो इंतजाम किया है वो ये है कि लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हम सिर्फ 50 लोगों को एक इबादत में हम उनको अकोमोडेट कर पाएंगे। 3 इबादत का मैंने एहतमाम किया है, एक मिडनाइट सर्विस है रात को 11 बजे 24 तारीख को, ये तो हमारी नॉर्मल सर्विस जो है वो होती थी, तो लेकिन आप उस सर्विस का हिस्सा बन सकते हैं। आप रात को 11 से लेकर 12 बजे तक आप उस सर्विस में आए और उसमें हमारा साथ दें। फिर सुबह 10:30 बजे जो इंग्लिश में जो इबादत होगी, मैंने समझता कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए लैंग्वेज, अगर आप अपने बच्चों के साथ आएंगे सुबह के वक्त तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं सुबह आना और अच्छा लगता है सवेरे खुदा की बात करना, तो 10:30 बजे ये इबादत होगी। उसके बाद 2 बजे की बजाय, 2 बजे नॉर्मली आपको पता है हमारी संडे की बात होती है, लेकिन ये इबादत जो है ये 2 की बजाय 1 बजे होगी, उसमें पाकशाह भी होगी और ये सर्विस जो है ये भी बाइलिंगुअल होगी। ये ज्वाइंट सर्विस है जिसमें जो हमारा लुटन का जो चर्च है, लुटन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च और हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, दोनों एक ही कॉन्ग्रीगेशन है, सिर्फ आप ये कह लें कि जगह का फर्क है, तो लंदन से 40 मील दूर है और उनके लिए मुश्किल होता था, तो हमने उनके लिए वहां पर ये इंतजाम किया है कि एक चर्च जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। इन फ्यूचर देखें जो भी खुदा उनकी मर्जी होगी हम उसको देखते हैं, लेकिन अगर वहां पर उनको जरूर महसूस हुई और इंडिपेंडेंट पास्टर वहां पर हम उसको तैनात कर सके तो जरूर ऐसा होगा। लेकिन अभी जो ल्यूटन और बेडफोर्ड के जो कलीसियाएं हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी तो नंबर्स इंक्रीज होंगे। पिछले सालों में मैंने देखा कि जब लॉकडाउन नहीं था तो लोग बाहर खड़े होते थे, बर्फ पड़ी होती थी, बच्चे औरतें, तो मुझे बड़ा दुख होता था। हमने कोशिश की मार्की भी लगाने की लेकिन वो भी काम नहीं कर पाई, तो अब ये है कि चर्च में हम अकोमोडेट कर पाएंगे जी सिर्फ 50 लोगों को एक इबादत में। तो आप जल्द से जल्द, अगर आप हेस्टन चर्च का हिस्सा है या आप विजिटर हैं, आप आना चाहते हैं हमारे चर्च में, तो प्लीज हमें जरा बता दें आप। मेरा नंबर है जी 00447189982824, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं nsamuel21@yahoo.com। तो हमें खुशी होगी आपके साथ बात करके, और आप अपने खानदान के साथ आए, दिस प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द पार्किंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हमारे चर्च की अपनी कार पार्क भी है, बाहर भी फ्री कार पार्क है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह नए साल की जो इबादत है वो भी इसी टाइम की होंगी, रात को 11 बजे न्यू ईयर ईव पे 31st of December, और फिर न्यू ईयर वाले दिन सुबह 10:30 बजे और 1 बजे। और ये बात भी याद रखें कि 26 तारीख को यानी बॉक्सिंग डे जो है, क्रिसमस के दूसरे दिन जो दिन होता है, आप शॉपिंग का छोड़ दें, यदि आज बॉक्सिंग डे है चीजें सस्ती होंगी, खुदा के घर में आए, खुदा की इबादत करें, और 26 तारीख को चर्च जो है वो खुलेगा अपने रूटीन के टाइम के मुताबिक, तो आप उसमें आए 2 बजे की सर्विस में, 26 तारीख में बात कर रहा हूँ, और फिर 2 तारीख को साल का पहला ये संडे होगा, इसको मिस ना करें, आप जरूर आए और हमारे साथ इन इबादात में शामिल हों। तो हमारी ये दुआ है कि खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आप जरूर इन बातों को दुआ में भी रखें और अपने खानदान के साथ आप हमें ज्वाइन करें। हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावन आपकी हिफाजत निगरबानी करे। तो आइए हम एक कैरल जो है वो खुदा उनके हुजूर पेश करते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं।
आगे चल के दाना
वाले वो ही शम खुदा कुर्बानी वो ही हालेलुया हालेलुया गूंजे सदा ये ही बहुत ही खूबसूरत ये कैरल और बड़ी खूबसूरती से इसको गाया गया। खुदा का शुक्र करते हैं इस सारी हम्द सना के लिए। आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए, ये मेरा आपसे वादा है कि खुदा आपको बहुत प्यार करता है। और मेरा ये आपसे वादा है अगर आप बाकायदगी के साथ खुदाम के पाक कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, हमारा साथ देंगे, हम आपको खूबसूरत तोहफा देंगे। जी हाँ, मैंने ये कहा था और इसको पूरा कर रहा हूं कि जो लोग बाकायदगी के साथ हमारा साथ देते रहे हैं, हमारे साथ बाइबल मुकद्दस उन्होंने सीखी, क्रिसमस पर हम उनको ऑनर करेंगे जी, उनको गिफ्ट देंगे। और अगर आप हमारा साथ देंगे बाकायदगी के साथ प्रोग्राम आइंदा आप देखेंगे तो आइंदा आने वाले साल में हम आपसे वादा करते हैं कि आपको खूबसूरत गिफ्ट देंगे। कहते हैं जी हुक्म मानना जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मैंने कल एक बात कही अपने चर्च में और मैं इस सोशल मीडिया के जरिए भी कहना चाहता हूँ कि जब आप चर्च जाते हैं तो अपने बाइबल मुकद्दस को जरूर साथ लेकर जाया करें। कल हमने एक रूल बनाया है कि बाइबल मुकद्दस के बगैर आप गिरजाघर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अगरचे हमारे गिरजाघर में बाइबल मुकद्दस मौजूद है, पूरा स्टॉक है हमारे पास गीतों का, ज़बूरों का और खुदा के पाक कलाम हमारे पास बाइबल की सूरत में वो मौजूद है, लेकिन मैंने ये असूल जो है वो बनाया है कि अगर आपके पास अपनी बाइबल मुकद्दस नहीं होगी तो हम आपको दो संडे तो आपको स्पेयर कर सकते हैं, आपका नाम जो लिख लिया जाएगा, और जो थर्ड संडे जब आप आएंगे और अगर आपके पास बाइबल नहीं होगी तो देन आपको फाइन होगा। मना तो नहीं कर सकते चर्च में आने से, लेकिन जुर्माना होगा, फाइन होगा। तो वो तो खुदा का घर है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन खुदा का खादम होते हुए खुदा ने मुझे ये इख्तियार दिया है और उस अथॉरिटी को मैं इस्तेमाल करते हुए गॉड गिवन अथॉरिटी, तो वहां पर जो हमारे एल्डर साहबान है वो मौजूद होंगे, वो नोट करेंगे इस बात को कि आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, आपके बच्चों की बाइबल आपके पास, ये देखें क्रिसमस पे आप बच्चों को गिफ्ट दें, उनको बाइबल दें और खुद भी बाइबल मुकद्दस जो खरीदें। मैं एक बाइबल मुकद्दस आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बाइबल है, उसको आप लें। यह है जी थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल, ये मेरे पास मौजूद है और इसको आप लें, ये खासी पुरानी है और इसका जो अभी देखें कि ये मुझे मेरे अजीज दोस्त से, उन्होंने उस वक्त मैं सेमिनरी में था, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, मैनुअल गिल साहब कनाडा में थे इंटेरियो में, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दिया था और इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको जरूर लें। यह थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल, ये मेरे पास जो वर्जन है वो न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, तो ये स्टडी बाइबल, ये इसको जरूर आप लें और इसमें देखें ये रेफरेंसेस जो हैं वो साथ हैं। उर्दू में भी जो मेरे पास जो बाइबल है उसमें भी ये इसमें इसको रेफरेंस बाइबल कहते हैं, इसमें भी जो रेफरेंस ये उर्दू की बाइबल है, सॉरी उसका जो रुख जो है, तो खैर ये देखें कि इसमें भी जो रेफरेंस बाइबल है एक साइड पे जो है वो रेफरेंसेज जो है वो दिए गए हैं। तो आप
थोड़ा सा जो है ना वो इसको सीरियसली लें। अगर कोई पाकिस्तान से आ जा रहा है तो वहां पे आप उनको कह सकते हैं आपके लिए रेफरेंस बाइबल जो है वहां से लेकर आए, क्योंकि हमारे पास जो बाइबल्स हैं वो रेफरेंस बाइबल नहीं है। हम आपको दे सकते हैं लेकिन वो रेफरेंस बाइबल नहीं होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास नहीं है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस मौजूद है मैं जरूर आपको गिफ्ट दूंगा। और सवाल ये है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, तो अगर आप इंटरेस्टेड लेंगे, अगर आप खरीदने नहीं चाहते, लेने नहीं चाहते बाइबल को, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा काम तो ये है कि जी मैंने आपको बताना है। तो आइंदा से हमारे चर्च में ये असूल होगा फ्रॉम द न्यू ईयर, 2 तारीख तक तो इसको मैं स्पेयर करूंगा। 2 तारीख को पहला संडे है और जो सेकंड संडे है 8 तारीख को गालबन बनता है, तो 8 तारीख के बाद जो भी दिन आएगा उस संडे जो आएगा गालबन, ये है जी मेरे पास जो अभी जो कैलेंडर है उसको मैं देख रहा हूँ, तो उसके बाद जो जनवरी में यानी सॉरी 9 तारीख को जी पहला संडे आ रहा है, तो 9 तारीख सेकेंड संडे जो है 9 तारीख को है, तो 16 तारीख के बाद 16 तारीख से जो भी हमारे बहन भाई चर्च में आएंगे उनके पास अपनी बाइबल जो है वो होनी चाहिए और उसमें कोई लिहाज नहीं होगा, और अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो आपको फाइन होगा। कैसी रही बात जी? तो सुबह भी जब आप बैठते हैं तो अपनी बाइबल मुकद्दस को लेकर बैठा करें। तो आइए खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं, खूबसूरत पाक कलाम, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से खुदावन के पाक कलाम को हम तलावत करते हैं। मैं एक बार फिर उन तमाम बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो पहली दफा हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सैमुअल समीर साहब हैं खुदा उनके खादम, उन्हें वेलकम कहते हैं, और भी जो बहन भाई सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं, आप इसको फ्री ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बाइबल टीवी का, आप इसको देख सकते हैं www.bibletvglobal.com, और अमेजोन की फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है, इसके अलावा जो जादू बॉक्स है, फ्लिक्स टीवी है, इन सब पे आप इसको चैनल को जो है वो देख सकते हैं, और अभी ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, फेसबुक पे भी है, तो आप इसको खुद भी देखें, अपने दोस्तों अजीजों को भी जल्दी से आप शेयर करें ताकि आज का जो कलाम है वो सुन सकें, सीख सकें। अभी तो यूके में 9:35 हुए हैं और अभी तो उठ जाना चाहिए, कोई नहीं उठ रहा तो उसको उठाएं ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें, सुन सकें। यूं लिखा है खुदा के जिंदा पाक कलाम में मत्ती की मार्फ लिखी गई इंजील उसका 2 बाब सफा नंबर 5 पर है जी उर्दू की बाइबल में। आइए खुदा का पाक कलाम सुनिए। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने से कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत जो लिखा है गया है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो तारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुड़ उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर
दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अभी आप कॉल ना करें, आप बाद में कॉल कर लें, क्योंकि मैं लाइव कॉल नहीं ले रहा और मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। जो बहन भाई कॉल कर रहे हैं मुझे, मैं उन्हें ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप बाद में कॉल कर लीजिएगा, अभी आप मुझे कॉल ना करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। तो आइए अजीजों, हम दुआ मांगे और खुदा के पाक कलाम की रहनुमाई चाहें। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि प्यार खुदावंद तू हमारी अकलों को रोशन कर, प्यार खुदावंद हमें सिखा, क्योंकि हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं। अपने लोगों को बरकत दे ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी जीजो, आज हम इस बात पर गौर करेंगे, इस दुनिया में बहुत सारे से लोग हैं जो कि खुदावंद के इस जन्मदिन को वो मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस वक्त हम देखते हैं कि वो कौन से लोग थे जो यीशु को ना देख पाए, जो यीशु की इबादत ना कर पाए। आज भी अगर आप मार्केट में जाएं, आप देखें कितनी गहमा गहमी है, शॉपिंग मॉल जो है वो भरे पड़े हैं। मैं कल इस बात को किसी के साथ शेयर कर रहा था कि देखें जो गवर्नमेंट है वो चर्चेस के बारे में बड़े ही वो फिक्रमंद है कि चर्च में लोग जो है वो नहीं आने चाहिए और रश नहीं होनी चाहिए, साथ साथ देखनी प्रे ब्रेकफास्ट चाय भी मैं पी सकता हूँ। मेरा गला जो है कल का खासा थका हुआ है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। तो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, गिफ्ट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकी बात है, जो करने की है वो ये है कि खुदा उनकी ये बात करनी है। फुटबॉल स्टेडियम में चले जाएं, भरे पड़े मार्केटें भरी पड़ी हैं और वहां पर कोई लोग जब परवाह नहीं कर रहे रूल्स की, और चर्च पर ये पाबंदी है कि इतने लोग होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और लोग जो है वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो जिस दौर में खुदा यीशु मसीह ने जन्म लिया उस दौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। मैं थोड़ा सा उसका मुआवजना जो है वो आपके साथ करना चाहता हूँ, उस दौर का और आज के दौर का, फर्स्ट सेंचुरी का कंपैरिजन जो है वो 21st सेंचुरी से मैं करना चाहता हूँ, उस दौर की क्या हालत थी और आज क्या है। देखिए उस वक्त भी जो सियासी जो तसल्लत था, जो लोग जो थे वो ओप्रेस्ड थे, रोमन जो थे वो हुक्मरान थे, और रोमन्स जो थे बड़े ही क्रूअल किस्म के जो हुक्मरान थे, कैसर जो होता था, सीजर जो होता था वो हुक्मरान होता था, और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने गवर्नर जो हैं उनको तैनात किया हुआ था। और हम देखते हैं कि ये जो गवर्नर थे उनमें यहूदी भी थे और रोमन भी थे, तो मुख्तलिफ जगहों पर ये गवर्नर जो थे वो काम करते थे और दे वर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द सीजर। अब जो लोग थे वो इतने नालायक थे, टैक्स लिया जाता था, मासूल लेने वाले थे, और यहूदियों से जो टैक्स लिया जाता था, मासूल लिया जाता था, तो नॉट ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि रोमन जो थे वो उस वक्त पूरी दुनिया पर, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर वो रूल जो है वो कर रहे थे। पहले यूनानी थे, ईरानी थे, तो इस तरह फिर रोमन की जो हुकूमत आई मादियों के बाद, और फारसी जो थे, और जो अब देखें कि जो ग्रीक जो उस वक्त जो हुक्मरान थे, जिनमें सिकंदर आजम जो था उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को जो है वो फतह किया, अपनी जवानी में वो रुखसत हो गया इस दुनिया से। तो जो एक सियासी जो सूरत हाल थी वो ये थी कि लोग जो थे वो किसी बादशाह की तलाश में थे, किसी प्रिंस ऑफ पीस की तलाश में थे, और इसके साथ साथ जो इल्म था वो भी बड़े अरूज पर था, ग्रीक नॉलेज जो था। अभी भी देखें जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी है,
मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है, जो आपकी लॉ की जो टर्मिनोलॉजी है, जो इल्मे लाही की जो टर्मिनोलॉजी है, वो सारी जो इस्तलाहात हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से जो है वो आई है। तो ग्रीक जो स्कॉलर्स से जो वहां पर जो इल्मो फानून था, उसकी जो यूनिवर्सिटीज थी वो, और जो स्कूल ऑफ थॉट जो थे, एरिस्टोटल और फ्लाटून और अरस्तु जैसे जो लोग थे, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि इल्म फनून जो है, दानिश जो है, वो बड़े अरूज पर थी। रिलीजियसली अगर आप देखें तो यरूशलम जो था वो यहूदियों का एक सेंटर था, वहां पर भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से, जिनमें गमलियल अपालूस कहता है, वो गमलियल का शागिर्द है। तो इस तरह के जो स्कूल ऑफ थॉट थे और जो कलाम को सिखाते और सीखते थे लोग, तो इसका कोई इसकी कोई मुश्किल नहीं थी। तो हर लिहाज से इल्म व फनून और पॉलिटिकली और इन तमाम बातों को हम देखते हैं, बिजनेस जो हब था वो भी था, और लोग जो है वो खासे जो है वो कारोबार में भी बड़े अरूज पर थे लोग उस वक्त। और ये जो एशिया मैनर जो है, जिसको तुर्की और ये जो इलाके थे, वहां पर लोग बड़ी तजारत करते थे। और आप इनको जो खतूत हैं, जो मुकाशवा की किताब में जो सात जो कलीसियाएं हैं उनको आप देखें, तो उनमें हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर लोग जो है वो तजारत करते थे और बड़े अरूज पर थी ये सारी बातें। इन हालात में लोगों ने, आप देखें कि खुदावी मसीह को पूरे तौर पर ना जाना और अपने मुनजी को, अपने निजात दिंदा को उन्होंने मसलूक कर दिया, उस मसाया को वो ना पहचान सके। आज भी दानियल की उस सहीफा के मुताबिक, उस पेशगोई के मुताबिक, दानियल 12 बाब में लिखा है कि आखिर जमाने में दानिश जो है वो अफजू होगी, इल्म जो है बड़ा बढ़ जाएगा। और आज भी आप देखें कि सब कुछ हमें नजर आ रहा है कि इल्म जो है वो कितना बढ़ गया है, दानिश अफजू है। एक छोटी सी माइक्रोचिप पर आप देखिए कितनी वीडियो तस्वीर वो आ जाती हैं। और अभी जो एक लोग एक कह लें कि सोच जो सामने आ रही है कि जी पता नहीं इस वैक्सीन से कोई इन्फ्यूज किया जा रहा है आपकी बॉडी में, कोई चिप डाली जा रही है, और वो चिप कहते नहीं, वो बिल्कुल चने के, वो उसके चावल के दाने के बराबर है। आई डोंट नो, गॉड नोज। लेकिन ये एक थीरी है लो, और एक जो आप कह लें नजरिया है जो लोगों के दरमियान पेश किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो 666 जो है, जिसका जिक्र जो है वो जो अदद जो अबलीस का है और मुखालफ मसीह का, तो कह रहे हैं कि ये उसके लिए जो है तैयारी की जा रही है। तो लोग जो है वो डरे हुए हैं। तो ये एक इशू जो है वो हमारे सामने है। सॉरी, खैर ये नजरियात हैं। लेकिन इस दौर में भी आप देखें कि दानिश अफजू हैं, और आज भी लोग उसी तरह जैसे उस दौर में किसी मसाया की तलाश में थे, आज भी लोग अमन और सलामती चाहते हैं, लोग इसी कोशिश में हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े चर्चेज और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अधारे हैं, यूनाइटेड नेशन है, वो सब इस कोशिश में है। वन वर्ल्ड का नारा जो है वो आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आ रहा है, और एक करेंसी की बात हो रही है, वन वर्ल्ड की बात हो रही है। और इसलिए है कि दुनिया में लोग ये चाह रहे हैं कि जी सलामती हो और लोगों को महफूज किया जाए। अभी जो आप देखते हैं कि वैक्सीन जो है उनको ईजाद किया गया और उसको कोशिश की जा रही है कि ये वैक्सीन जो है लोगों को लगाई जाए और लोगों को बचाया जाए, विच इज वेरी गुड। इंसान को बचाना ये बड़ी अच्छी बात है। तो उस दौर में जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदावंद को ना पहचाना और ना जाना। पहले हम उन लोगों को देखते हैं इन द लाइट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, इन कीपर, हाँ, सराय का जो मालिक था। जब मुकस्सा माँ मरियम और मुकद्दस यूसुफ जो हैं वो वहां पर पहुंचे, और जो मुकस्सा मरियम थी वो हामला थी, तो वो कमरा ढूंढ रहे थे और उनको कोई सराय ना मिली। उस दौर में सराय होती थी, इन होती थी जहां पर लोग जाके वो रहते थे। तो वो गए वहां पर और उनको जगह ना मिली, तो उनको
एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर जानवर थे, चरनी थी, तो उस स्टेबल में उनको रखा गया और चरनी में खुदा यीशु मसीह ने जो है वो जन्म लिया। तो पहला जो शख्स हम देखते हैं वो ये बिजनेसमैन है ना, अपना कारोबार कर रहा है और उसने शायद दूसरे लोगों को, क्योंकि लोग आ रहे थे, इसम नवीसी हो रही थी और लोग नाम लिखवाने के लिए आ रहे थे, और वो ये ना जान सका कि ये जो मुनजी है, जो निजात दिंदा है, जो खुदा का बेटा है, वो यहां पर जन्म लेने को है। तो उसने कहा जी मेरे पास जगह नहीं। आज भी इस दुनिया में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी जो लोग हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर बिजनेस। कंज्यूमर सोसाइटी है, बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, रुपया पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, those who fail to accommodate Christ in their heart, जो यीशु को नहीं जानते, अपने कारोबार के मामले में बड़े मुताबिक हैं, लेकिन यीशु को वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। दूसरा जो तबका है वो है पॉलिटिकल लीडर, जिनका एजेंडा जो है वो कहते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस। अच्छा जी आप मैरी क्रिसमस ना लिखें, सीजन ग्रीटिंग लिखें, और आप जो है वो लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। उनका अपना एक एजेंडा है और वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ जी हम बड़ी इज्जत करते हैं, और वो मल्टी फेथ मल्टी रिलीजियस जो एक स्लोगन है उसको लेकर वो आगे बढ़े हुए हैं, प्लोरिस्टिक हैं, जो सभी ठीक है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो हेरोदेस भी ऐसे था। जब हम देखते हैं कि वो मजूसी आए, जो वाइज पीपल थे वो आए और उन्होंने कहा कि जनाब जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ कहाँ है, क्योंकि हम पूर्व से सितारा देकर हम उसे सीधा करने आए हैं। तो ये सुनकर हेरोदेस बादशाह उसके साथ यरूशलम के सब लोग घबरा गए। अब ही वॉज अ वेरी कनिंग पर्सन, वेरी क्लेवर। तो कहता है अच्छा यार आप जाओ, उसने बुलाया वाइज पीपल को और उनको कहा कि अच्छा आओ भाई, तो क्या आप किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा हम यहूदियों के बादशाह को देखना चाहते हैं, हम इतनी दूर से इस से हम सफर करके आए हैं। तो उसने जो अपने जो उलमा थे उनको बुलाया और उन्हें कहा कि जी हाँ जी कलाम के मुताबिक ये है कि जो नबी की मात में लिखा गया है उसके मुताबिक ये है कि उसकी पैदाइश जो है वो आए बेहतर हम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के आंकड़ों में सबसे छोटे नहीं, क्योंकि तुझमें से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। तो मिका की किताब में जो ये पेश हुई थी उसके बारे में उन्होंने बताया। सो दे वर वेल इक्विप्ड, वेल नॉलेजेबल पीपल, के जी वो जानते थे पुराने अहदनामा को, उन्होंने कहा कि उसकी पैदाइश तो यहाँ पर होनी है। तो हेरोदेस ने कहा अच्छा आप जाओ और जब वो बच्चा मिले तो मुझे भी आकर बताना, मैं भी जाकर उसको सीधा करूँ। विद द रॉन्ग इंटेंशन, वो चाहता था कि जब वो बच्चा मिले तो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब ये जो दुनिया के जो बादशाह हैं उनके बारे में जबूर से कहता है कि आए बादशाह हो अकलमंद दानिशमंद बनो, बेटे को चूमो इससे पहले कि वो कहर में आए। आज भी दुनिया के बहुत सारे बादशाह जो हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो यीशु को नहीं जानते और दे वॉन्ट टू वर्शिप हिम विद द रॉन्ग मोटिव्स, लोगों को खुश करने के लिए। अच्छा जी चले ठीक है जी हम ये कर देंगे आपके लिए, हम आपको ये सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन वो खुद उस यीशु को सिजदा नहीं करना चाहते। मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब मैं था तो वहां पर जो हमारे मुसलमान जो ऑफिसर थे, जो आर्मी में था, मैं आर्मी चैप्टन था, तो हम जाते थे आर्मी की यूनिट्स में सेलिब्रेट करने के लिए। हर जो यूनिट जैसे पंजाब रेजिमेंट है, एटरली वाले हैं, इन्फेंट्री वाले हैं, तो वो अपने अपने यूनिट के जो है ना वो डिनर रखा करते थे और उन्हें मैंने जाना खुदा का पाक कलाम पेश करना। तो वहां पर जो लोग होते थे, जो आर्मी के ऑफिसर्स होते थे, वहां पर बैठे होते थे, उनमें जनरल्स भी होते थे, ब्रिगेडियर्स होते थे, तो उनके सामने मैंने खुदा का पाक कलाम जो है पेश करना। अब वो लोग जब मुझे बाद में मिलते थे कहते जी हम बहुत इज्जत करते हैं हज़रत ईसा की और हमारे कुरान पाक के मुताबिक, अगर हम उनको ना इज्जत दें तो हम मुसलमान ही नहीं हो सकते, हम उनको मानते हैं, उनके मौजात को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं जी इसकी तहरीफ हो गई है, बदल गई है।
लेकिन आज भी देखिए वहां पर जो क्रिसमस केक कटिंग की रस्मात हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, विच इज वेरी गुड, देयर इज नो हार्म इन दैट। उसमें गवर्नर साहब आ रहे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं कि जी आए नहीं, हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली हम पाकिस्तान हाई कमीशन में गए, वहां पर हमने क्रिसमस केक काटा, वहां पर डिनर हुआ। लेकिन अलमिया ये है कि हेरोदेस की तरह वो पूरे तौर पर उसको दिल से कबूल नहीं करते, दूसरों के साथ मिलकर हाँ जी जाए आप देखें हम भी आकर तो उसको सीधा करेंगे, हेरोदेस ने कहा, लेकिन मोटिव्स बन रहा। आज भी लोगों के पॉलिटिकल मोटिव हम ठीक है लोगों को खुश करते हैं कि ठीक है जी लोग कल को वोट बैंक है हमारा, लोग ये ना कहेंगे जी माइनॉरिटी को पूछ नहीं रहे, माइनॉरिटी की फिक्र नहीं करते, फॉर दैट इंटेंशन पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो इज्जत देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको बुलाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, आप दिल से उस निजात दहिंदा को कबूल करें। तो ये जो हेरोद था, जो हेरोदेस था, इसने उस निजात दहिंदा को मिस कर दिया, उसको ना देख सका। दूसरा जो तबका था वो वहां पर लोग थे, देखो आप लिखा उसने लोगों को बुलाया, लिखा कि उसके साथ यरूशलम सब लोग घबरा गए। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से घबराए हुए, यार ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पूरी दुनिया में जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है और इब्लीस जो है वो उसको क्लोन कर रहा है क्रिसमस को, क्लोन कर, समझते हैं आजकल क्लोनिंग होती है ना, तो वो क्लोन किया जा रहा है, कॉपीकैट है ना जी, क्रिसमस जैसे सेलिब्रेट किया जाता है हम भी केक बनाएं और हम भी जो ईद कार्ड जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ना केक काटे जाते थे ना ईद पे कार्ड दिए जाते थे, अब बिल्कुल उस क्रिसमस को अब्लीस जो है वो क्लोन करना चाह रहा है, उसको कॉपी कैट करना है कि ठीक है इसकी तरह हम भी करेंगे। और एक देखें बड़ा हमें केयरफुल होने की जरूरत है, एक यहाँ पे तबका जो है उसने काम शुरू किया, उन्होंने कहा कि जी जो खुदा यीशु मसीह के अलावा बाकी अंबिया को कहते हैं जी वो भी मुसलमान थे, और खुदा यीशु मसीह कहते हैं जी वो भी मुसलमान थे और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रिटिश के जो यहाँ पर जो आप देखें कि जो लोग हैं देर वेरी सिंपल के लोग हैं जिनका इतना नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि जो जिनकी गोरी चमड़ी है जिनकी रंगत गोरी है वो सारे क्रिश्चियन है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते, किसी ने उनको बताया नहीं है या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जब उनको ये कहा जाता है कि जी हम भी हम ये मानते हैं और वो खुदा यीशु मसीह जो है वो मुसलमान थे, तो वो लोग कहते हैं यार ये तो बड़े अच्छे हैं, तो चलो जी हम भी इनके साथ मिल जाते हैं। तो वो ये आधा सच है और आधा सच बड़ा खतरनाक होता है आफ्टर ट्रुथ। तो इसके लिए वो पिक्चर्स भी लगाएंगी, पोस्टर लगाए गए। तो खुदा यीशु मसीह मेरे बहनों भाइयों वो मुसलमान नहीं थे, इस्लाम बहुत बाद में आया। तो सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह, ये मुसलमान कैसे हो गए? तो खुदा यीशु मसीह को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि बड़ी पॉपुलरिटी है जी इसकी, बड़े लोग इसके चाहने वाले हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, वर्ल्ड थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज वर्शिपिंग द लिविंग गॉड, तो खुदा यीशु मसीह की पूजा करने वाले, उसकी इबादत करने वाले, तो हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अंदर से घबराए हुए, और ये लोग भी घबरा गए, ओहो ये कौन सा बादशाह आ गया भाई। और ये बादशाह देखा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है, वो जो बादशाह पैदा हुआ है तो अपनी पैदाइश से ही बादशाह, तो हेरोदेस घबरा गया कि भाई ये क्या है। तो डेविल इज अ ग्रेट डिसीवर, वो धोखेबाज है, झूठों का बाप है। तो हमें बहुत मुहतात होने की जरूरत है। इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे रिलीजियस लीडर, और ये जो है ना प्लुरिस्टिक अप्रोच जो है, ये इट्स अ रियल कॉज ऑफ कंफ्यूजन। तो हमें इससे बड़ा मुहतात होने की जरूरत है। तो हेरोदेस की तरह ये बाकी जो लोग थे जो उसके महासभीन में से थे, जो उसके साथी थे, वो भी घबरा गए, और लिखा कि सब लोग जो है वो घबरा गए। और उसने कौम के सब सरदार कहानियों और फकीरों को जमा कर पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। ले जी एक और बात सुन ले, अब ये जो लिखा है कि कौम के सरदार का है, अब ये रिलीजियस लीडर थे है ना, ये बड़े नॉलेजेबल लोग थे, फकीर फरीसी, ये भी जानते थे, लेकिन वो भी यीशु के पास नहीं गए, उसको देखने के लिए नहीं गए। आज भी
बड़े बड़े थियोलॉजियन, बड़े बड़े उलमा जो हैं, बड़े बड़े मुफक्कर जो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़ी बड़ी डिग्रीज उनके पास है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ओह मे बी ही इज अ सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट, वी डोंट बिलीव ऑन द इनकार्नेशन, ओह मे बी ही वाज बोर्न विद द वर्जिन मेरी, मे बी नॉट. दैट्स द रियल कॉज ऑफ कंफ्यूजन. ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे उलमा, ऐसे ऐसी डिनोमिनेशन जो कि उसकी डिविनिटी को नहीं मानते, उसकी अलूहियत को नहीं मानते, सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप देखेंगे उनके चर्चेज भी सजे हुए हैं, उन्होंने लोगों को आए जी हमारे चर्च में आए, बात के लिए आए, क्रिसमस की बात करेंगे, लेकिन हिडन एजेंडा है. वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. ऐसे लोग भी हैं जिनको हम कहते हैं कि जी ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, मॉर्मन्स, बहुत सारी ऐसी बिदात है जो कि कहते हैं ना ना ना, उसको ये ना कहें कि वो खुदा है, उसकी अलूहियत की बात ना करें. हाँ, वो अच्छा नबी हो सकता है, वो अच्छा इंसान हो सकता है, और ये बड़ी खतरनाक तालीम है. नाम वो यीशु का लेते हैं, स्ताइश भी की जाती है, कलाम भी सुनाया जाता है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन है वो ठीक नहीं है, जो उनका ईमान है वो दुरुस्त नहीं है. इसलिए बहुत ज्यादा हमें मोहतात रहने की जरूरत है. अजीजो, क्या आप पूरे दिल से उसे कबूल करते हैं? कहीं आप भी तो यीशु को मिस नहीं कर रहे? कहीं आप भी तो अपने बिजनेस के चक्कर में नहीं पड़े हुए उस इनकीपर की तरह? क्या आप उसको अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार हैं? क्या आपका दिल कहीं दूसरी चीजों से तो नहीं भरा हुआ? कहीं आपने लोगों को अकोपाई करने के लिए अपना दिल तो नहीं दे दिया? नहीं, मेरे दिल में जगह नहीं, आप इसको कहीं और ले जाए. दमिश मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौजजा किया. एक शख्स जो कि बदरू गिरफ्तार था, वो कब्रों में रहता था, अपने ताई पत्थरों जख्मी करता था, खुदावन ने उसको शिफा दी. उसमें बदरुआ थी, लश्कर था उसमें, तो खुदावन ने उन बदरुआ को जो है वो सूअरों में भेजा और सूअर मर गए, झील में गिर गए. तो जो सूअरों के मालिक थे वो आए और उन्होंने आकर यीशु से दरख्वास्त की कि तू हमारी सरहदों से चला जा. They were worried about their business. वो सूरों के लिए फिक्रमंद थे, वो पिग्स के लिए फिक्रमंद थे, स्विंस के लिए फिक्रमंद थे, कारोबार के लिए फिक्रमंद थे. उन्होंने ये नहीं देखा कि एक शख्स ने शिफा पाई है. उन्होंने कहा कि यीशु से कि तू हमारी सरहदों से चला जा. We don't want to see you in our boundaries. क्या आप यीशु को अपने घर में देखना चाहते हैं? क्या आप यीशु को अपनी सरहदों में रखना चाहते हैं? अगर आप सलामती चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अगर आप मुहावजत चाहते हैं, ये अमन सलामती जो है ये आपको साइंटिस्ट नहीं दे सकते, ये पॉलिटिकल लीडर नहीं दे सकते, ये उलमा नहीं दे सकते. ट्रू पीस ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन. ये सलामती, ये अमन सिर्फ यीशु आपको दे सकता है. दुनिया के स्कॉलर नहीं दे सकते, नजरियात, फिलॉसफी ये आपको नहीं दे सकती. सलामती सिर्फ यीशु के पास है, बिकॉज ही इज अ प्रिंस ऑफ peace. May God bless you and give you the true peace of heart and mind. May God protect you and be with you. In Jesus' name, Amen. आइए हम खुदा उनका शुक्र अदा करें और उससे दुआ मांगें. खुदा उन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारे दरमियान आया. खुदा उन तू हमसे प्यार करता है और तूने इंसानी जिस्म अख्तियार किया, लेकिन खुदावन इंसानों ने तुझे रद्द कर दिया, तेरे अपनों ने तुझे कबूल ना किया. लेकिन खुदावन जितनों ने तुझे कबूल किया, तूने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा. हम तेरे ले पालक बेटे और बेटियां बन गए. ऐ प्यारे खुदावन, हमें हर तरह की खुदगर्जी से, हर तरह की सख्त दिली से बचा के महफूज रख. हमें साफ दिली दे ताकि खुदावन हम लोगों को धोखा ना दे सके, फ्रेम ना दे सके, जैसे कि हेरोदीस और उस दौर के जो पॉलिटिकल लीडर थे, जो कि रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने खुदावन तुझे ना देखा. यार खुदावन दरख्वास्त करते हैं कि तुम्हारी आंखों को खोल, हमारी अकलों को रोशन कर, ताकि हम तुझ खुदाए वाहद को जान सकें,
जो कि बरहक है, जो कि राह और हक और जिंदगी है, जो क्यामत और जिंदगी है, जो दरवाजा है, जो अच्छा चरवाहा है, खुदावन हम तुझे जान सके, तेरे साथ पैवस्त रहें, जिंदगी पाएं और कसर से पाए। खुदावन अपने लोगों की बड़ी हिफाजत ने बानी कर। हम क्रिसमस के सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन इस वायरस को दूर कर। हम अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, हमारा प्यार खुदावन और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो हम सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मेरे रोज रोटी आज बख्श दे। जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने के उनकी बुराई से बचा। उनके बादशाही कुदरत जला हमेशा तक के लिए है। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू। आप अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें और मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखें, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।